नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एक साथ आज दिल्ली जा रहे हैं, एक ही फ्लाइट से जाएंगे। बिहार में क्या कोई खेला हो रहा है? सोशल मीडिया पर इस बात के खूब दावे किए जा रहे हैं। दरअसल तेजस्वी और नीतीश की फ्लाइट सेम बताई जा रही है दिल्ली जाने वाली। एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी दफे प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज इंडिया गठबंधन की बैठक है और इस बैठक में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। और ठीक उसके पहले नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते में ही डील पक्की हो जाएगी। ट्रेंडिंग में नीतीश कुमार हैं, ट्रेंडिंग में आज सबसे ज्यादा अगर कोई शख्स है तो वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। दोनों ही नेताओं के चर्चे किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर चर्चे किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ 10:40 की फ्लाइट से दिल्ली रवाना होंगे, चाचा भतीजा की मुलाकात संभव है। दूसरी बात, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, उन्हें एयरपोर्ट से इंडिया गठबंधन की कार रिसीव करेगी और फिर मिलकर सरकार बनाएगी। यानी जाकिर का मानना है कि नीतीश और तेजस्वी जब दिल्ली पहुंचेंगे तो इंडिया गठबंधन की कार पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद होगी और वो नीतीश को लेकर चली जाएगी। नीतीश कुमार जैसे नेता की आज देश को नहीं बल्कि दुनिया को जरूरत है, क्योंकि वह सबके हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। दरअसल बिहार में बीजेपी को झटका लगा, एनडीए गठबंधन को झटका लगा। विपक्ष के हिस्से में कुल 10 सीटें आई है, 9 सीटें इंडिया गठबंधन को, 1 सीट निर्दलीय पप्पू यादव की। पप्पू यादव पहले से ही कह रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, जाहिर सी बात है इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि पप्पू यादव भी विपक्ष के साथ मौजूद है। अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की चर्चा तेज हो चुकी है, 10:40 की फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। आपको क्या लगता है? तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन में हो सकते हैं शामिल, ये दावे किए जा रहे हैं। तो अलग अलग बातें, नीतीश कुमार की तस्वीरें साझा की जा रही है, चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश यादव की मुलाकात की, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की मुलाकात की, ये बातें कही जा रही है। देश को इंतजार है इस तस्वीर को फिर से एक होने की, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों नेता नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कई बार प्रयास कर चुके हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के अगले कदम का सबको इंतजार करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ चल रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे तौर पे एनडीए गठबंधन के साथ फिलहाल है। उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना चाहते हैं, वो लगातार चुनावी जनसभाओं में यह बातें कह रहे थे। जेडीयू अभी नीतीश कुमार के साथ खड़ी है और पूरा जेडीयू बीजेपी के साथ दिखाई पड़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से पटना से दिल्ली आ रहे हैं, नीतीश एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो है वो एनडीए की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और इन बातों को लेकर सीधे तौर पर चर्चा तेज है कि क्या कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। नजरें टिकी है सोशल मीडिया पर, इंडिया गठबंधन के चाहने वाले चाहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली में एनडीए की बैठक में न जाकर इंडिया की बैठक में चले जाए। हालांकि यह संभव नहीं है, नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए में हैं और आगे भी उनके सांसद और उनके तमाम जो लोग हैं वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होता है कि आने वाले वक्त में देश के अंदर क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की हो रही है। नीतीश कुमार और नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी एंड जेडीयू की चर्चा हो रही है। हर जगह अब चर्चा की जा रही है कि टीडीपी जो है, जो सीधे तौर पे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उसकी चर्चा की जा रही है। नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसकी चर्चा की जा रही है। और इन जगहों पर सबसे ज्यादा चर्चा, क्या नीतीश एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर इंडिया अलायंस के साथ आकर सरकार बनाने की जो कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों को बल दे सकते हैं? इन तमाम चीजों की चर्चा सोशल मीडिया पर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया,
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।